हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के मोबाइल के अंदर जो फिंगरप्रिंट होता है उसके अंदर क्या, आपको एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ दोस्तों। वहां पर क्या होगा, जब भी आप अपने मोबाइल को अनलॉक करेंगे तो वहां पर अलग से आप वहां पर अपना कोई फीचर को ऐड कर सकते हैं कि आपके फिंगरप्रिंट लगाने के बाद वो क्या नया फीचर वर्क कर सकता। बहुत ही कमाल का ये हिडन फीचर है, कैसे यूज करेंगे, कहाँ आपको मिलने वाला है तो आगे वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे दोस्तों। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। वर्क कैसे करता है तो मैं पहले आपको बता दूं। लाइक आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा लेफ्ट हैंड का थंब है और जब भी मैं यहाँ पर लेफ्ट से थम्स अप अनलॉक करूंगा तो ऑटोमेटिक यहां पर कैलकुलेटर खुल जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं अपने मोबाइल को लॉक करके वापस अपने राइट हैंड के उससे अनलॉक करूंगा तो यहां पर दूसरी ऐप खुल जाएगी जो कि मैंने वहां पर लगा के रखी होगी। तो ये मैंने यहां पर हिडन फीचर को लगाया है। तो उसको कैसे आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं उसके लिए आगे आपको ले चलता हूं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले करना है कि आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे और यहाँ पर जाना है आपको फिंगरप्रिंट पे। फिंगरप्रिंट पे जाने के बाद जो भी आपका पैटर्न पिन जो भी लगा आपको डालना है, यहाँ पर आपको अपने फिंगरप्रिंट को ऐड कर लेना है। अगर आप दो यूज करते हैं तो दो, अगर तीन लगाना चाहते हैं तो तीन लगा रहे। सबको अपने हिसाब से नाम दे दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी कौन कौन सी फिंगर यहाँ पर ऐड है। तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड राइट हैंड दे दिया और एक सिंपल सी थर्ड लगा दी। तो आप सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है। उसके बाद दोस्तों करना क्या है, आपको अपने मोबाइल में गुड लक की ऐप डाउनलोड करना है जो आपको मिल जाएगी गैलेक्सी स्टोर में। गुड लक की ऐप को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रूटीन का, तो आपको रूटीन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। रूटीन ऐप को जैसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट टू वेबसाइट, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर इफ जो लिखा है अनलॉक द विथ फिंगर, तो यहाँ पर लाइक मैंने यहाँ पर लेफ्ट चूज कर लिया डन। और नीचे आपको यहाँ पर लिखा है गो टू वेबसाइट, आपको यहाँ पर नीचे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से हटा देना है और यहाँ प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो मेरे को यहाँ पर फंक्शन पे जाना है। फंक्शन पे जाने के बाद मुझे यहाँ पर ऐड करना है ओपन एन ऐप। तो यहाँ पर आपको सारी ऐप मिल जाएंगे जो भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। तो जो भी आप ऐप लगाना चाहते हैं आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो लाइक मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया कैमरा और मैंने यहाँ से डन कर दिया और यहाँ नेक्स्ट करके इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब जब भी मैं अपने मोबाइल को अनलॉक करूँगा लेफ्ट हैंड से तो मेरा वहाँ पर कैमरा ऐप ओपन हो जाएगा। तो अब जब भी दोस्तों मैं लेफ्ट हैंड से मोबाइल को अनलॉक करूंगा तो वहां पर मेरा कैमरा ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मैं इसको राइट हैंड से करता हूं तो वहां पर नॉर्मली ओपन होगा और कुछ ओपन नहीं होने वाला। सेम अगर मैं लेफ्ट हैंड से करूंगा तो जो कि मैंने वहां पर लगा के रखा है वो ओपन हो जाएगा कैमरा। अगर आप चाहते हैं इसको मॉडिफाई करना या फिर आप दूसरी फिंगरप्रिंट पे भी लगाना चाहते हैं तो मैंने फिंगरप्रिंट वेबसाइट पे गया, यहां पर अब मैं राइट पे लगाना चाहता हूं। मैंने राइट पे क्लिक करा, डन करा। यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको एडिट पे क्लिक करना है, इसको रिमूव करना है, यहां ऐड करना है। यहां पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, फंक्शन में जाना है एंड ओपन ऐप में जाना है। तो यहां पर आपको बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी, जो ऐप लगाना चाहते हैं आप उस ऐप को चूज कर लीजिए। लाइक अब मैं यहां पर लगाना चाहता हूं ओपन कैलकुलेटर और डन कर दिया और यहां नेक्स्ट करा। इसका नाम आपको चेंज करना होगा, इसको डन करा, सेव करा। अब क्या होगा, अब जब भी मैं राइट हैंड से इसको स्कैन राइट हैंड से खोलूंगा तो वहां पर अब मेरा कैलकुलेटर ओपन होने वाला है। तो यहां पर आप बहुत सारी कोई सी भी ऐप को लगा सकते हैं। अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए वापस आपको जाना होगा या रूटीन वाली ऐप में यहां जाना है, यहां जाने के डॉट्स पे, यहां टिप पे जाना है, बिक्सी रूटीन्स पे जाएंगे। यहां जाने के बाद आपको जाना है माय रूटीन्स पे, तो आपको ये मिल जाएगी। आपको यहां पर उस पर क्लिक करके इन दोनों को आपको डिलीट कर देना है। तो आप यहां से डिलीट करके अपने हिसाब से कोई नया ऐड भी करना चाहते हैं ऐप को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू।